सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो टाइम हो चुका है अभी, हाँ टाइम हो रहा है अभी 9:30। मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ। बस इनको हमेशा व्लॉग शुरू करने में मैं सुबह 7 बजे की, मैं भी उठी हुई हूँ 7:30 की। जब से वो प्लम्बर आया था तब से मैं उठ गई थी ना। 7:30 नहीं आया प्लम्बर, वो आया था 7:38 पे। तो 7:38 में सिर्फ 8 मिनट का ही फर्क है, तो आया था ना। तो मतलब टाइम क्या बता रही हूँ मैं। तो गाइज अभी आप जैसे कि देख सकते हो उधर दिखाओ, तो गाइज सारा सामान फैला हुआ है। तो अभी सारा सब कुछ फिक्स करना है। किचन का सामान किचन में जाएगा, बेडरूम का सामान बेडरूम में जाएगा, नहीं बेडरूम तो उधर ही रहेगा अभी कुछ दिन, एंड किचन का किचन में, वॉशरूम का वॉशरूम में। तो वो सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। उसके अलावा हमें आज जाना है मार्केट, क्योंकि मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। जैसा कि छोटे छोटे दाने हो गए हैं, मैं तो उसकी बातें नहीं कर रही थी। तो मेरे फेस पे ना मीलिया हो गया। मतलब बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, जो ऐसे दिखते तो कम है लेकिन अगर आप छूओगे तो पता लगता है ऐसे कि मतलब हो रहा है। मतलब पूरी बॉडी पे भी हो रहा है, मेरे भी हो रहे हैं, मेरे हाँ शोल्डर्स पे इनके भी हो रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर आपको पता हो मीलिया का इलाज क्या है तो प्लीज हमें बताएं। मीलिया सुना, हम यहाँ पे दानों का प्रमोशन करने नहीं आए। सॉरी, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं पूछ रहा कोई। ओके, आई मीन मेरी। सो अभी हम लोग देखो पहले ब्रेकफास्ट भी क्या करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है किचन विचन में बनाने का। सो अभी देखते हैं क्या करना है। नहा धो के हम, हो सकता है मार्केट जाएं, क्योंकि अभी हमने मेट को भी नहीं बुलाया मॉर्निंग में, क्योंकि अभी जब फैला पड़ा है तो वो क्या ही करेगी आके। तो अभी पहले सारा सामान शिफ्ट कर देंगे, फिर देखते हैं। और अभी लाइट भी चली जाएगी थोड़ी देर के बाद। बाबू तो उससे पहले हम चलते हैं, फिर 7 मंजिल से मैं तो नहीं उतरूंगी नीचे। उतरना तो पड़ेगा, मैं थक जाऊंगी जान, उतरने में थोड़ी थकेगी। बाबू उतरना चढ़ना तो पड़ेगा ना। क्यों लिफ्ट क्यों बनाई है फिर? तो चली जाएगी ना लाइट अभी। बाबू 23 मंजिल वालों का क्या होगा? पता ही नहीं क्या होगा। तो 23rd फ्लोर पर रहते हैं वो, कैसे उतरेंगे गरीब बेचारे। वैसे मैं आपको बता दूँ, इतना मजा आया ना सोने में, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, मतलब ठंड का टोटली फील आ गया गाइस, मजा आ गया सोने में। और अभी देखो चीजें सब कुछ हुई नहीं है, होना बाकी है अभी। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ गाँव में, क्योंकि आगे आगे रील्स भी बहुत शानदार आने वाली है इंस्टाग्राम पे। तो जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और हमारे फेसबुक पे भी फेसबुक पे क्या होता है, फॉलो होता follow है और लाइक। फेसबुक पे भी लाइक और फॉलो होता है, जो मुझे नहीं पता है ज्यादा फेसबुक के बारे में, तो वो भी करो। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर के। और 100K कराओ यार, जल्दी जल्दी 100K कराओ। आज 1 तारीख हो गई ना, बहुत 1 नवंबर हो गया, शर्म थोड़ी आती है तुमने वो। चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद गाइस। देख लो, इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं बहुत दुखी आ चुकी हूँ इससे। ये देख लो, इसने जो पहन रखा है ये स्टफ, और ये पता है ये गुस्से में पहना है, मुझे ये कह के कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। ये इतना जो तामझाम आपको दिख रहा है फैला हुआ, ये कपड़े, ये यहाँ पे ये सारी टी शर्ट्स, और उधर भी कुछ कपड़े होंगे, लेगीज के नीचे भी कपड़े हैं। इस आदमी के पास कपड़े ही नहीं है, तो आते नहीं है ना, ये भी तो बताना साथ में। तो क्यों हो रहे हो फिर मोटे? अगर तुम मोटे हो रहे हो और क्यों तुमको कपड़े नहीं आएंगे, तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे कि क्या पहनूं मैं? तो भी हो रही है, तो मेरे आ रहे हैं मुझे कपड़े, तो तू ऑलरेडी लूज पहनती है बहुत, तो आप भी ऑलरेडी लूज पहनो बहुत। अगर आपको एम आ रहा है तो आप डबल एक्सएल पहनो मेरी तरह। मैं बाबू, मेरे को अगर एल आता तो मैं एल ही पहनती हूँ, ठीक है ना? अब आपका टोंद निकल रहा है तो मेरी गलती नहीं है उसमें। अच्छा है, रजाई ओढ़ लो इसके ऊपर, मैं तो कहती हूँ रजाई दूँ, ले लो रजाई। और इसे किसने पूछ के फेंका? मैं भी फिर पीछे पीछे जाऊंगी उसके, सोच लेना पारू के पीछे, फिर तेरे पीछे मैं रूते खाने लायक ही हुआ। आप जूते खाने लायक हो? ये क्या कर रही है? छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरफ मैं कवर करके जाऊंगी। आज से मतलब थोड़ा सा कवर करना जरूरी है डस्ट, क्योंकि हमारी जो ये जो हमारी बिल्डिंग है इसके जस्ट नीचे निकलते ही ना ऑन रोड बिल्कुल डस्ट डस्ट है, तो मैं नहीं चाहती मेरे स्किन पे वो डस्ट लग जाए। और मेरा नूरानी चेहरा खराब हो जाए गाइस,
बता दे अभी हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पहले इनके लिए कपड़े लेने। आज मैंने इनको बोल दिया कोई भी सामान नहीं आएगा घर का, पहले कपड़े आएंगे बस। पैसा ना है कार्ड के ऊपर जिंदा रहने वाली कार्ड हमारी है। कार्ड के बिल हम ही पे करते हैं मेरा मन नहीं है कपड़े लेने का यार। दिमाग खराब मत करो, तुमने अभी जो ये घंटा मेरे साथ नाटक किया है ना वो मेरा दिमाग खराब कर चुका है ऑलरेडी। मैं टेंशन में हूँ, खड़े हो जाओ। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए और बाकी का घर का सामान वामान लेने के लिए, तो चलो मार्केट में मिलते हैं। सो गाइज जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमारी बिल्डिंग में लाइट नहीं है, तो आज हमारी बिल्डिंग में लाइट नहीं है और हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। सीढ़ियों में भी कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट है ही नहीं पूरी बिल्डिंग में, कहीं भी नहीं है। तो अभी हम स्टेयर से उतर रहे हैं। बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सब को, जो उड़ना ना जाने उड़ियो ना डरियो, कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो करना तानी, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो करना जान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। ए मसा कली उड़ मटा कली मटा कली, ए मसा कली उड़ मटा कली मटा कली, ए मसा कली उड़ मटा कली मटा कली। चल कन्ना ना ना, क्या हो गया? वैसे हम लोग आप ये समझ लो कि सुबह के निकले हुए हैं और अब 2 बज रहे हैं। अब जाके हम लोग लंच कर रहे हैं, मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया और सुबह से हम लोग अलमीरा के लिए घूम रहे थे क्योंकि हमारे पास अलमीरा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सुबह से घूम रहे थे। फाइनली हमें जाके अलमीरा मिल गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जाएगी, नहीं तो कल आएगी। तो देखते हैं, अगर आज शाम तक आएगी तो तू भी अब आज कर ले अभी। और यशो भी वॉशरूम गई है, वो आती है तो फिर उसकी हालत दिखाती हूँ। हम सुबह से भूखे घूम रहे हैं, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है। ये तो मैंने बता दिया कि हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, भूखे हैं, अब आए हैं खाने के लिए। ये मैंने सारा कुछ बता दिया। आपने बता दिया जी। और अलमीरा हमने ले लिया, ये भी बता दिया अलमीरा जो हमने ले ली है ना, उसका हम पहले ये वाला मिरर देख रहे थे, ये है रोज गोल्ड है, लेकिन रोज गोल्ड मिरर में और बहुत महंगा जा रहा था। रोज गोल्ड मिरर में महंगा नहीं जा रहा था एक्चुअली, जो प्लाई में महंगा जा रहा था, जो हम उसका वुड चूज कर रहे थे वो बहुत महंगा जा रहा था। लेकिन हमारी किस्मत कि हमें सेम डिजाइन मिला एक अलग वुड में, थोड़ा मतलब कम रेंज तो नहीं बोलूंगी मैं मतलब ले मिल गया वो। आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है अलमीरा, तो हम आपको दिखाएंगे, मतलब थोड़ी स्टाइलिश है। मजे आ गए। यस डेफिनेटली। अब हमारा जब खाना आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे हमारा खाना गाइस। आज हमने मंगाया पालक पनीर साथ में रोटी और ये सैलेड, बस इतना ही मंगाया हमने। ये देख लो बेलन लिया जा रहा है यहाँ पे रोटी के साथ साथ मारने की प्रैक्टिस भी की जा रही है कि ढंग से पिटेगा कि नहीं पिटेगा सामने वाला। ये सही है, मोटा वाला है ना। आई। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:00 PM और हमें ऐसी नींद आई उड़ने वाली कि हमें पता ही नहीं था हम कहाँ पड़े हैं मतलब बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही थी, बहुत ही ज्यादा तेज। फिर हमने चाय पी रहे हैं इस टाइम पे, अब हम चाय पी के और जा रहे हैं अपने घर पे, फिर देखते हैं लाइट आई है कि। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड मैं आपको बता दूं आज हम लोग बहुत सारा सामान लेके आए थे मार्केट से, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एक मिनट को जरा बंद कर दूं मैं। यस ओके। तो आज हम लोग लेके आए थे बहुत सारा सामान, थक गए
तो मैं आपको पहले बाहर की हालत दिखा देती हूँ। ये देख लो जरा क्या हालत हुई पड़ी है बाहर की, सारा सामान ऐसे ही पड़ा है अभी। ठीक है, हम लोग अलमीरा लेके आए थे, वो आज डिलीवर नहीं हुई, कल होगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी सामान अभी हम लोग सेट कर रहे हैं, यशु किचन का सामान सेट कर रही है। ठीक है, बल्ब भी अभी हम नहीं लेके आए, ये भी फ्रेंड के घर से लेके आए थे, भूल गए हम लाना, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो ये सारा किचन का सामान पड़ा है, ये देख लो, ये सारा जो हम लेके आए थे। और हमने सोचा है कि ये बनाएंगे हम बेडरूम। ठीक है, मतलब जो हॉल वाला एरिया वो बनाएंगे बेडरूम, यहाँ पे रहेगा अपना बेड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी अलमीरा। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है ये बनेगा हमारा स्टूडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज जो लेके आए हैं मेन, ये वाली टेबल लेके आए हैं। ठीक है, और ये दो चेयर लेके आए हैं, ये देखो ये चेयर लेके आए हैं दो। ठीक है, और ये टेबल लेके आएंगे, ये लेके आए हैं मतलब, और ये वाली पूरी वॉल जो है इसको हम बनाएंगे अपना स्टूडियो, वो देखते हैं कैसे बनता है। और हाँ, ये पर्दे भी हम लोग लेके आए हैं, इस बार मैं व्हाइट कलर के पर्दे लेके आई हूँ, और ये अपनी रिंग लाइट पुरानी। तो ये दो पर्दे, अभी यहाँ पे एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि कितने पर्दे आएंगे, तो हम चार पर्दे टोटल लेके आए थे, तो दो पर्दे हमने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि वैसे ही मुझे पर्दों की जरूरत नहीं है यार, मुझे तो खुली बालकनी अच्छी लगती है, और दो पर्दे हमने लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर लाने का बनेगा तो ले आएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना। बाबू इसको रगड़ना नहीं है, इससे बीट पड़ी हुई है जान, बीट कहाँ से आ गई। अच्छा जान, बट इसको ऐसे मत कर, ये खराब हो जाएगा, इतना गंदा हो रहा है यार, मैं क्या करूं, मेरा मन खराब हो रहा है, नहीं ये निकल रहा है इसका, काट चप चप काली आवाज काट देना। ठीक है ठीक है, कुछ लोगों को बड़ी इरिटेट करती है। तो फाइनली गाइज, मैं आपको दिख चुकी हूँ द बॉस, आई मीन द रियल बॉस में। आप लोग बड़ी मिस कर रहे थे ये टी शर्ट, मैं भी एक्चुअली बहुत मिस कर रही थी, मुझे आज ही मिली है किसी बैग में से। सो फाइनली हमने कुछ चीजें की हैं, अभी आपको फाइनल टच आज नहीं दिखेगा, फाइनल टच आपको दिखाएंगे कल के व्लॉग में, कल दिखाएंगे अपन ये, आज के व्लॉग ये भी कल दिखाएंगे। पर्दे वर्दे तो लेकिन मैं दिखा चुकी थोड़ा बहुत, यशस व्लॉग में ना अब 49 और 59 वाले दिन चले गए। अच्छा अब ठीक है ना, हाँ अब 99.9 मेरा है, तो मैं कांटी बैटरी फुल हो, स्टोरेज फुल हो गई थी। हाँ बट मैं कहाँ थी पता नहीं, आ तो हम यहाँ आते कि आपको कल सारा दिखाएंगे, अभी फिलहाल देख लो सारा फैला पड़ा है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया। हाँ। जो अलमीरा आने वाली है ना, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम वो लेने जाएंगे, मतलब हमने सोचा था कि हम एक सेकंड हैंड अलमीरा परचेज करेंगे, बिकॉज हम अपने बजट के हिसाब से चल रहे थे कि आगे आगे और क्या चीजें करनी है, बट हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग सेकेंड हैंड का सोच के गए, फिर हम फर्नीचर वाले शॉप पे चले गए, फिर हमने एक नॉर्मल अलमीरा देखी, नॉर्मल मतलब आज के टाइम की थी वो, डबल डोर में, फिर हमने वो फाइनलाइज कर दी, और हमने उसको बोला भैया हम अभी आ रहे हैं एक घंटे में बस, क्योंकि हमें कुछ और छोटे छोटे सामान लेने थे जो कि हम नहीं लेकर आए, लाइक लाइट्स फैन ये सारी चीजें हम नहीं लेकर आए। उसके बाद हमने सारा का सारा वो जो एक के बराबर में एक फर्नीचर वाली दुकान होती है ना, हमने पूरा डेढ़ दो घंटा वहां दिया, इसके यहाँ से उसके यहाँ गए, इसके यहाँ से उसके यहाँ गए, सामने सामने ही, क्योंकि हमने साफ बोला था कि हमें प्राइस लेने हैं कि भाई कौन अपने को बेस्ट एंड चीप प्राइस पे देगा। सो हमें एक अलमीरा पसंद आई जिसकी प्राइस थी 48,000, जिसकी प्राइस सुनते ही फिर हम दोनों का तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं बार्गेनिंग करती हूँ पर इतनी भी नहीं कि मैं 48 वाली चीज को बोलूँ कि भैया 20,000 में दे दो। सो ऐसा कुछ था। उसके बाद हमने कल मीरा पसंद की, और जो हमारी पसंद की है 99% तो हमारी पसंद की है, वो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का फर्क है, वो प्लाई में थी और ये वुड में, सो बस इतना फर्क है, लेकिन सेम हमें चीज मिली है। तो मतलब कल जब वो आएगी अलमीरा तब आप देखना, वो बहुत प्यारी है। फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर, ये वहाँ पे भी हमारी फ्रेंड के घर से बन के आया है, एक्चुअली ये बना ही हुआ था वहाँ पे हमारे लिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि घर पे जाके काम करेंगे उसके बाद ही खाएंगे। किचन में मैंने ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है किचन, बस यहाँ पे ना गैस का पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन मतलब, अभी चालू नहीं है। हाँ चालू नहीं है, मतलब कनेक्शन है बट अभी चालू नहीं हुआ यहाँ पे। सो अभी हमें लेना पड़ेगा सिलेंडर, जिसको यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं बाटला। मतलब मुझे थोड़ा वो लगता है सिलेंडर ही हमारे लिए, तो भाई अपन है उधर वाले नॉर्थ वाले, अपने लिए सिलेंडर ही है वो, तो अपन सिलेंडर के लिए जाएंगे कल एंड वो भी करा लेंगे फिक्स, क्योंकि खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार बाहर का रोज रोज नहीं खा सकते ना यार। तो कल ऑलमोस्ट जितनी चीजें हैं पेंडिंग वो सारी चीजें हो जाएंगी,
अच्छा कुछ लोगों के इस चीज के लिए भी आ रहे थे कि जो हमारा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है वो कब आने वाला है। हाँ, तो वो उसमें उसकी डेट अभी नहीं, हमें भी नहीं मिली है क्योंकि बीच में दिवाली वगैरह हाँ, छुट्टी आ गई ना इस वजह से, और वो छोटे मोटे चैनल पे नहीं आ रहा ना इसलिए मतलब उन्होंने टाइम लेना है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। बात ये है तो जब भी वो आएगा तो आपको उसका लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप आराम से उसको देख सके। यस, सो अभी हम कर रहे हैं अपना डिनर एंजॉय, उसके बाद हम आपको मिलेंगे गुड नाइट कहने के लिए। और कुछ चेंजेस आज किए हैं वो आज के ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, तो फिर अभी गुड नाइट कह दे। चलो ये वाला दिखा दो, मैंने किया है ये तो चलो मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे के बिहाइंड द सीन क्या है। तो गाइज ये यीशु ने लगाया है इधर कुछ, ठीक है, और ये देख लो ये बालकनी के बाहर लगाया है, ठीक है, ये सारा यीशु ने लगाया है अभी। और आपको पता है ये डेकोरेशन का सामान कौन सा है, आप बिलीव भी नहीं करोगे। गैस करने दे चलो गैस फिर कल गाइस गैस करो कि ये आपने कहाँ देखा था। आप अगर जिसने हमारे जो हमारे व्लॉग बहुत ध्यान से देखता होगा ना उसको 100% पता चल जाएगा कि ये उन्होंने कहाँ देखा था। तो एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये देख लो। जिसने भी ये कंफर्म कर दिया कि आपने वहां देखा है और सही जवाब दिया हाँ, मैं उसको शाउट आउट दूंगी। सबसे पहले जो बताएगा उसको नेक्स्ट लॉन्ग, सबसे पहले 7 मेंबर्स का मैं शाउट आउट दूंगी, 7 लोगों को हाँ, जिन्होंने गेस कर लिया कि ये आपने कहाँ देखा है। ठीक है इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी तो चलो अभी फिलहाल हम लोग कर लेते हैं गाइस डिनर, और इसके बाद तो बस हम सोएंगे क्योंकि मेरी नेक में बहुत पेन हो रहा है। तो मेडिसिन्स भी नहीं ली आपने, सुबह की रेस्ट करो। तो चलो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे एंड हम लोग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग में भी ज्यादा बड़ा नहीं बना होगा, पहले मैं चेक कर लूंगी, बड़ा बना होगा तो फिर हम दोबारा मिलते हैं आपसे, छोटा बना होगा तो फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।